सब्सक्राइब करें टेक की दुनिया को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कैमरे का यूज करते हैं अपने डीएसएलआर कैमरे में, अपने लैपटॉप में, अपने स्मार्टफोन में दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है अगर ये कैमरा आपके कॉन्टेक्ट लेंस में हो तो दोस्तों ये कैसा होगा दोस्तों? तो अगर हम बात करें दोस्तों ये कॉन्टेक्ट लेंस में हो गया तो ये किस तरह से बदल सकता है अपने फ्यूचर्स को और इसमें क्या क्या हमें फायदे हो सकते हैं दोस्तों, तो आज मैं आपको इसी के बारे में बात करने वाला दोस्तों। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है कृष्णा, आप देख रहे हैं टेक की दुनिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं एक कॉन्टेक्ट लेंस की। अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस का यूज़ करते हैं दोस्तों, अगर आप नहीं करते तो उनके लिए भी दोस्तों ये है एक छोटी सी डिवाइस है। आपको दिन तो इतना पता है, एक छोटी सी एक लेंस होता है दोस्तों जो आप अपने आंखों में लगाते हैं। अगर सपोज अगर इसमें माने आपको कैमरा मिल जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर आपने कोई भी मूवी देखी होगी जैसे कि मिशन इम्पॉसिबल देखी होगी दोस्तों, तो उसमें आपको कॉन्टेक्ट लेंस आपको जरूर दिखा होगा दोस्तों, जिसमें होता है एक छोटा सा डिवाइस लगा होता है, इसमें आपको कैमरा मिलता है और अलग अलग तरह के इसमें फंक्शंस मिलते हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं इन्हीं चीजों की, अगर ये फीचर्स में होता है तो क्या हो सकता है दोस्तों? अगर बात करें रियल की तो अभी तक फीचर्स में नहीं आया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट दे दिया गया है गूगल सैमसंग सोनी को। मतलब गूगल और सैमसंग सोनी को ये बहुत समय से प्रोजेक्ट मिल चुका था कि कॉन्टेक्ट लेंस ऐसा डिजाइन किया जाए जिसमें आपको ऐसे फंक्शन मिल जाए कि आप सामने वाले की फोटो कैप्चर कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे इसमें डिवाइस के फंक्शन थे। अगर बात करते हैं एक सबसे पहले कॉन्टेक्ट लेंस की, तो आपको सबसे पहले इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड हो जाएगा, मतलब क्या क्या जरूरत हो सकती है? तो दोस्तों एक कॉन्टेक्ट लेंस की बात करें तो एक छोटी सी डिवाइस है जो आप अपने आंखों में लगाते हो। अगर इसमें एक कैमरा दे दिया जाए तो इसमें आपको क्या क्या रिक्वायर्ड, मतलब ये किस तरह से बन सकता है? दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है वो पावर का आता है। अगर कॉन्टेक्ट लेंस इस तरह से डिजाइन किया गया तो इसमें सबसे बड़ा ये मैटर होगा कि इसे पावर कहाँ से दी जाए, क्योंकि अगर ये कॉन्टेक्ट लेंस है तो इसमें आपको कैमरा मिल रहा है तो आपको इसमें पावर की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें पावर की जरूरत आपको किस तरह से दिए जा सकते हैं दोस्तों? आप चार्जर तो अपने आंखों में फिट नहीं कर सकते, तो इसे पावर देने के लिए आपको या तो जरूरत पड़ेगा दोस्तों एक वायरलेस चार्जर की, एक वायरलेस की ऐसी डिवाइस लगे रहे जैसे कि आपका स्मार्टफोन हो या आपकी वॉचेस हो या कुछ भी चीज हो जिसके थ्रू द्वारा आप इसे पावर सोर्स दे सकें और पावर से इसे चार्ज कर सके दोस्तों, जो आपका कॉन्टेक्ट लेंस उस तरह से वर्क करेगा दोस्तों। तो ये तो हो गई पावर की बात दोस्तों। अब अगर इसकी बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है जो आप जो इसको कैमरे के लायक बना सकता है दोस्तों? इसमें होना चाहिए सीमोस सेंसर जो आपके कैमरे में होते हैं, क्योंकि सीमोस सेंसर की जरूरत पड़ता है क्योंकि आप कोई भी फोटो ले रहे हैं दोस्तों तो उसमें कुछ सेंसर रहना चाहिए, जैसे कि आप सामने वाले की फोटो कैप्चर कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली कैप्चर होना चाहिए दोस्तों, ताकि आप अपने मतलब कमांड्स दे सकें दोस्तों कि आप उसे कैप्चर करना चाहते हैं। तो उस वेसेज के लिए इसमें एक माइक्रोफोन होना बहुत जरूरी दोस्तों। अब माइक्रोफोन की बात की जाए तो ये कॉन्टेक्ट लेंस में तो लग नहीं सकता, इसे डिजाइन किया जा सकता है कि छोटे से चिप में एक ट्रांसमीटर के टाइप में एक छोटा सा चिप हो जिसके थ्रू द्वारा आप इसमें कोई भी वॉइस कमांड पे भी काम करवा सकते हैं दोस्तों। ये तो हो गए इन चीजों की बात दोस्तों। दोस्तों अगर इसके मेन कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो सबसे बड़ा मैटर ये होता है कि स्टोरेज आप कहां पर करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी फोटो क्लिक करते हैं या कोई भी आप किसी की फोटो तो ले रहे हैं ना दोस्तों, और उसके लिए सबसे जरूरी है कि एक स्टोरेज रहना चाहिए। आप कोई भी जैसे कि अपने फोन में कैप्चर करते हैं, अपने कैमरे में कैप्चर करते हैं, अपने लैपटॉप में कैप्चर करते हैं दोस्तों, तो उसमें स्टोरेज होता है। लेकिन इसकी स्टोरेज की बात करें तो इसकी स्टोरेज आपको कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा। अगर आप वायरलेस से देते हैं, क्लाउडिंग की तरह देते हैं या कहीं से भी देते हैं तो कोई भी बन सकता है, लेकिन दोस्तों इसके लिए एक स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी जिसको बदला जा सकता है नैनो स्टोरेज डिवाइस में, जो बहुत ही ज्यादा थिन होनी चाहिए क्योंकि आपको आंखों में इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। इतना इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए दोस्तों जो इतनी सी छोटी सी जो स्टोरेज होगी जो आपकी फोटो को स्टोर कर पाएगी दोस्तों। ये तो हो गए इन चीजों की बात दोस्तों। अगर इसमें बात करें लेंसेज की, तो लेंसेज कौन से यूज होने चाहिए, अल्ट्रा एचडी वाले या किस तरह से होना चाहिए दोस्तों? आपके जो फोन में यूज होते हैं वो बहुत ही काफी ज्यादा बड़े यूज होते हैं दोस्तों लेंस, मतलब वो लेंस छोटे जरूर है लेकिन जो आंखों में लगना है तो दोस्तों इसके लिए और भी ज्यादा नैनो लेंसेज होना चाहिए जो आपके कॉन्टेक्ट लेंस में लग सकते हैं दोस्तों, और दोस्तों सामने वाले की फोटो कैप्चर कर सके। ये तो हो चुके इन चीजों की बात दोस्तों। अगर ये फीचर डिवाइस बनती है तो इसमें क्या क्या एक प्राइवेसी होगी, क्योंकि दोस्तों आपको देखिए कहीं पर भी मिलेगा नहीं कि आप खुले मार्केट में जाएंगे और ऐसे कॉन्टेक्ट लेंस आपको मिल जाएंगे अवेलेबल, ये तो नहीं हो सकता दोस्तों। इसमें होगी आपके लिए सबसे बड़ी प्राइवेसी, मतलब ये नॉर्मल व्यक्ति को तो ऐसे नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसमें प्राइवेसी देना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप सामने वाले की फोटो कैप्चर कर रहे हो और कुछ इलीगल काम भी हो सकते हैं इसी के थ्रू द्वारा। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें प्राइवेसी आपको दे सकते हैं, जैसे कि अगर इसका इन्वेंशन होता है तो
ये सबसे ज्यादा बेनिफिट है एस्ट्रोनॉट्स के लिए और बहुत ज्यादा जरूरी हो सकते हैं साइंटिस्ट के लिए दोस्तों, इन लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं आने वाले समय में दोस्तों। तो ये काफी यूजफुल डिवाइस होगी अगर ऐसी डिवाइस बनती है दोस्तों। फिलहाल तो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है गूगल सैमसंग सोनी, लेकिन गूगल सैमसंग सोनी की बात आए दोस्तों तो सबके कॉन्सेप्ट अलग अलग है, कोई कुछ अलग कहता है दोस्तों और सभी कंपनियां कुछ ना कुछ अलग कहती है। तो देखते हैं दोस्तों ये डिवाइस जो है वो किस तरह से बनती है दोस्तों, आने वाले कॉन्टेक्ट लेंस में हमें क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है, हमें जरूर पता चलेगा दोस्तों कि आने वाले समय में हमको क्या क्या देखने के लिए आपको मिलेगा दोस्तों। तो देखते हैं ये कब तक आती है डिवाइस, फिलहाल तो अभी सभी कंपनियां वर्क कर रही है, मे भी अगर ये डिवाइस आती है तो दोस्तों इसका पता चल ही जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों और कमेंट करना ना भूलिए। मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहता हूं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।